बिहार में बीजेपी की साठगांठ से सरकार बनाने से नाराज शरद यादव अपने बगावती तेवर को बुलंद करते हुए एक्शन मोड में आ गए हैं। पद से हटाए जाने के बाद नीतीश को जवाब देने के लिए शरद यादव ने जेडीयू पर अपना दावा ठोकने की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि इसके लिए वो चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाएंगे। नीतीश ने नाराज शरद यादव को राज्यसभा नेता पद से हटाने के बाद जेडीयू में टूट तय है। अब तो शरद यादव गुट ने जेडीयू पर ही अपना दावा ठोक दिया है। यहां तक कि शरद यादव अपने धड़े को असली जेडीयू के रूप में पेश करने के लिए चुनाव आयोग का भी रुख करेंगे। शरद खेमे का दावा है कि उन्हें 14 राज्य इकाइयों का समर्थन हासिल है, जबकि पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार को केवल बिहार इकाई का ही समर्थन मिला है। इसके अलावा राज्यसभा के 2 सांसद भी शरद के साथ हैं। शरद यादव के करीबी सहयोगी अरुण श्रीवास्तव ने कहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, शरद यादव पार्टी से अपना नाता नहीं तोड़ेंगे। जेडीयू की पहचान बिहार तक सीमित होने के नीतीश कुमार के बयान को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की हमेशा से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रही है। जब समता पार्टी का जेडीयू में विलय हुआ था तो उस समय शरद यादव पार्टी प्रमुख थे। श्रीवास्तव ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद कहा कि पार्टी का अस्तित्व बिहार के बाहर नहीं है, ऐसे में उनको बिहार के लिए नई पार्टी का गठन करना चाहिए। उनको जेडीयू पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिसकी हमेशा से राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।